अब एक सूत्र आपको बताने जा रहे हैं मित्रों, ये भी सूत्र इसी से संबंधित है, परंतु इसमें वार्तिक कई है, थोड़ा सा आप समझने के लिए धैर्य रखना, ठीक है। आइएगा, सूत्र है आपका उभय प्राप्तौ कर्मणि, ठीक है। उभय प्राप्तौ, ये आपका सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है, कर्मणि सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है, ठीक है। ये इसका पदच्छेद है। अब इसका हम समास देख लेते हैं, उभय प्राप्तौ, इसमें समास क्या है, इस पद में समास है, ठीक है। समास से आपको क्लियर हो जाएगा कि उभय प्राप्तौ पद क्या कहना। देखिएगा समास, उभयो हो अर्थात कर्तृ कर्मणो हो प्राप्ति ही यस्मिन अर्थात कृति सोयम उभय प्राप्ति ही तस्मिन उभय प्राप्तौ बहुव्रीहि समास। ये बहुव्रीहि समास हो, क्या कह रहे हैं, ऐसा माने कर्ता और कर्म की में प्राप्ति है जिस कृदंत के रहते, ठीक है, जिस कृदंत कृत प्रत्यय के परे, कृत माने कृदंत शब्द के परे रहते, जब कर्ता और कर्म में प्राप्ति होती है इकट्ठी, तो ऐसा कृत क्या कहलाया, यहां उभय प्राप्ति, ये उभय प्राप्ति है माने कृत, और तस्मिन उभय प्राप्तौ माने उभय प्राप्त में दोनों की प्राप्ति कराने वाला माने एक साथ प्राप्त कराने वाले कृदंत के परे रहते, ये अर्थ आएगा। चलिएगा अब एक बार इसका हम अर्थ देख लेते हैं, भट्टोजी दीक्षित महाराज जी क्या कहते हैं। अब देखिए अर्थ कहते हैं, उभयो हो प्राप्ति ही यस्मिन कृति तत्र कर्मण्येव षष्ठी स्यात्। क्या कहा, उभयोः प्राप्ति माने उभयो में दोनों माने कर्म और कर्ता और कर्म में कर्म की प्राप्ति है जिस कृदंत के परे रहते, तत्र माने उसके उसके परे रहते कर्मणि एव षष्ठी स्यात्, कर्म में ही षष्ठी होगी कर्ता में नहीं होगी, क्योंकि वो पहले हमने सूत्र दिखाया था आपको, उभय प्रावो कर्त कर्मणो कृति, तो उसके तो अलग अलग उदाहरण थे, एक कर्ता का था और दूसरा कर्म का था, परंतु कुछ उदाहरण ऐसे भी है जिनमें कर्ता और कर्म इकट्ठे ही आ जाते हैं और कृदंत का प्रयोग आ जाता है, तब क्या करें, तब दोनों में कर दें, तो नहीं, कहा कि यदि कृदंत के योग में एक साथ ही एक ही वाक्य में कर्ता में भी षष्ठी प्राप्त हो जाए और कर्म में भी प्राप्त होने लगे, तो कर्ता में नहीं करते कर्म में करते, ठीक है। उदाहरण से स्पष्ट हो जाए, देखिए आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपेन, ऐसा है अगोपेन आपकी पुस्तक में स्पष्ट छपा होगा, अगोपेन इसका अर्थ है कि जो गोपालक नहीं है, गौओं का पालक नहीं है, उससे भिन्न जो दूसरा व्यक्ति है उसके द्वारा गौओं का दोहना आश्चर्यजनक है, कि वो बहुत अच्छी प्रकार से गौओं का दोहन कर देता है। तो क्या है, देखिए ये दोह दोहा, ये शब्द ऐसा है दो हा, तो ये क्या है घई प्रत्यंत शब्द है, क्या है घई प्रत्यंत, दो धातु से घई प्रत्यय आता है, ये दोह धातु और घई प्रत्यय ये घई करते हैं और गुण आदि होकर के ये दोहा बन जाता है, क्या है दोहा, तो दोहा का अर्थ दोहना, तो ये इस कृदंत के योग में माने दोहना इसका, किसका दोहना गाय का, किसके द्वारा दोहना अगोप के द्वारा, तो क्या है ये कर्म है आपका और ये कर्ता है। अब इस बात में इसमें और इसमें पहले कर्त कर्मणों कृति से दोनों में षष्ठी प्राप्त होने लगी, दोनों में षष्ठी प्राप्त होने लगी, तो अब नियम कर दिया ये कि भाई जहां पर दोनों में एक साथ षष्ठी प्राप्त होगी तो वहां पर कर्ता में षष्ठी नहीं होती है, कर्म में ही होती है, कर्म में होती है, तो क्या ये कर्म है गवाम गौओं को दोहना, तो क्या इसमें षष्ठी हो गई, अगोपेन
ये क्या है कर्ता हो गया तो, और ये क्या अनभित है तो अनभित कर्ता में तृतीय विभक्ति कर दी। ठीक है, तो ये सूत्र ऐसी जगह लगता है जहां पर कर्ता और कर्म कृदंत के साथ एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, चलिएगा अब आगे कहते हैं, इसी में एक वार्तिक बताते हैं। अब वार्तिक क्या है कुछ उनको समझना है थोड़ा सा आपको, कि स्त्री प्रत्ययो प्रत्ययो आकाकारयोर नायम नीय महा। ठीक है, क्या कह रहे हैं, कहते हैं ये वाला जो आपने नियम बनाया है उभय प्राप्तो कर्मणि, ये नियम क्या है, यदि स्त्री स्त्रियाम एक सूत्र है स्त्रियाम, उस स्त्री के अधिकार में कहे गए दो प्रत्यय, दो प्रत्यय, एक मूल प्रत्यय और एक अप्रत्यय। ठीक है, दो प्रत्यय हैं, अभी बता दूंगा कौन कौन से, उन वो भी कृदंत हैं, वो भी कृदंत हैं, तो वो स्त्री के अधिकार में कहे हुए दो प्रत्यय मान उरुल प्रत्यय और क्या अप्रत्यय, उन तद कृदंत के साथ में ये नियम आपका नहीं लगेगा, ये नियम नहीं लगेगा, वहां तो अलग ही होगा। क्या होगा वो बताएं, पहले मैं आपको ये तो प्रत्यय बता देता हूं, देखिएगा ये आपका, देखिएगा यहां स्त्रियां कितन, यहां स्त्री का स्त्री माना स्त्री प्रत्यय होता है, इस स्त्री का अधिकार चलता है। ठीक है, स्त्री का अधिकार चलता है, तो एक ये प्रत्यय कहा है, यहां पर क्या कहा है, ये अनुल प्रत्यय, ये अनुल प्रत्यय कहा है, और एक प्रत्यय अप्रत्यय कहा है, क्या कहा है अप्रत्यय, एक ये प्रत्यय कहा है, और ये दो प्रत्यय इस स्त्री का अधिकार में, और ये कृत, इनकी कृत संज्ञा ध्यान देंगे, इनकी क्या है कृत संज्ञा, क्योंकि कृत के अधिकार में है, ये कृत के अधिकार में इसलिए कृदंत संज्ञा है। तो कहते हैं इनके इनमें तो नियम नहीं होता है, उभय प्राप्तौ कर्मणि वाला नियम नहीं लगता है। अब नहीं लगता है तो देखिएगा उदाहरण, भेदिका विभित्सा वा रुद्रस्य जगतः, कि भेदिका ये क्या अनुल प्रत्यय का, भेद धातु से, ठीक है भेद से, और ये अनुल हो जाता है आपका, अनुल हो जाता है अनुल ये, और इसको इत संज्ञा आदि होकर के वो को अक हो जाता है। ठीक है, अक हो जाता है, स्त्रीलिंग में टाप आ जाता है यहाँ टाप, और फिर इसको अको ई हो जाता है तो, और इसको गुण हो जाता है तो क्या बनता है, भेदिका बन जाता है, भेदिका माने भेदन करने वाली, भेदन करना, क्या ऐसी विभित्सा, ये विभित्सा क्या, ये अप्रत्यांत है, सनंत प्रत्यय से अप्रत्यात से अप्रत्यय होता फिर टाप हो जाता है। ठीक है, तो क्या ये भेदिका और ये विभित्सा ये क्या है, ये अप्रत्यय वाली है, अक माने उड़ूल को अक कहा है, और ये अप्रत्यय वाली है, और ये अप्रत्यय वाला शब्द है, और स्त्रीलिंग के अधिकार में कहा गया है, और कृत भी है। तो अब इनके देखिएगा, रुद्रस्य जगतः, इस धातु के रुद्र, रुद्र क्या करता, किसका, जगत का, जगत का, तो उस जगत की भेदिका या विभित्सा, ठीक है विभित्सा, तो अब इसका इनके कृदंत के योग में ये कर्ता है आपका और ये कर्म है, तो इनमें षष्ठी प्राप्त होती है, किससे, उभय प्राप्त हो कर्मणि, वो कर्तृकर्मणो कृति से, फिर उभय प्राप्त हो कर्मणि निषेध कर देता है कि भाई दोनों एक ही साथ, दोनों में एक ही एक वक्त में दोनों में प्राप्त हो रही हो तो कर्त कर्म में होती है, तो इसमें प्राप्त हो रही थी इसका निषेध हो रहा था। तो वार्तिक ने कहा कि भाई देखो इन प्रत्यांत माने स्त्री प्रत्ययो हो अकाकारयो हो नियमः ना माने अनियमः, नियम नहीं चलेगा आपका उभय प्राप्त हो कर्मणि वाला, तो यहां पर फिर क्या है, कर्तृकर्मणो कृति से,
अर्थात उससे ही दोनों में षष्ठी हो गई, कर्ता में भी षष्ठी हो गई और कर्म में भी षष्ठी हो गई। तो ये दो शब्द हैं इसका भेद का, रुद्रस्य जगतः अथवा विभित्सा रुद्रस्य जगतः। ठीक है, तो ये आपका ये वार्तिकीय कहता है कि यहां पर इस प्रकार की स्थिति में तो नहीं लगेगा इन दो प्रत्यंत स्त्रीलिंग के शब्दों में। हाँ, तो यही कहा कि कुछ आचार्य, हाँ इसको ये वार्तिक है, कुछ आचार्य ऐसा कहते हैं स्त्री प्रत्यय इत्य के माने इनसे भिन्न अ और उन प्रत्यय से भिन्न जो स्त्री प्रत्यय हैं, स्त्री प्रत्यय अर्थात कृदंत, उनके योग में कुछ आचार्यों के मत में ये क्या विकल्प से होता है। तो क्या उदाहरण दिया आप देखिएगा, विचित्रा जगतः कृति ही हरे हे हरिणामा। तो अब देखिएगा कि ये हरि 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 क्या करता है हरि, और जगत क्या है कर्म है। ठीक है, और ये शब्द क्या है कृतन प्रत्यंत है, कैसा है कृतन प्रत्यंत, स्त्रियम के अधिकार में आता है, स्त्रियम कृतन से ही कहा गया है। और इसका क्या है, अब इसका इसके योग में, क्योंकि दो प्रत्ययों को छोड़कर के इनके योग में जो कर्ता और कर्म, इनमें क्या है जो कर्म में तो नित्य होगा, कर्ता में जो कर्ता में विकल्प होगा, ये कहना चाह रहे हैं क्या है, कर्ता में विकल्प होगा, चलिए मित्रों। अब एक बात कही आपका आगे, शेष विभाषा स्त्री प्रत्यय इत्येके, तो ये वार्तिक है आपका, ये वार्तिक कहता है कि जो उभय प्राप्तौ कर्मणि आपने कहा है, ठीक है, उसमें उसमें क्या करेंगे कि जो हमने ये वार्तिक कहा था कि इससे अर्थात आपका और अप्रत्यय स्त्रियाम के अधिकार में कहे हुए कृदंत आ और अप्रत्यय, अक माने उन प्रत्यय से भिन्न जो प्रत्यय हैं उनके योग में तो कुछ आचार्यों के मत में, उससे भिन्न और भी प्रत्यय हैं स्त्रियाम के अधिकार में, उन कृदंतों के योग में तो कर्म में तो ठीक है षष्ठी नित्य होगी परंतु कर्ता में विकल्प से होगी। ठीक है, कर्ता में विकल्प से होगी। तो जैसे उदाहरण दिया इन्होंने, विचित्रा जगतः कृति ही हरे हे हरिणावा। तो अब आप देखेंगे ये जो कृति शब्द है ये क्या है, कृदंत कृतन प्रत्यंत है, ये स्त्रियम के अधिकार में कहा है था, स्त्रियम कृतिम से ही कहा है। तो अब इसके योग में ये हरि करता है और ये जगत कर्म है, कर्म में तो षष्ठी नित्य हो जाएगी। ठीक है, और जो हरि इसका करता है उसमें विकल्प से कहते हैं कुछ लोग, एक मन कुछ आचार्य, तो क्या है अर्थात एक बार षष्ठी हो जाएगी एक बार पक्ष में नहीं होगी, तो करता है तो इसलिए कर्तृकर्णयो तृतीया से तृतीया हो जाएगी। ठीक है, राइट, चलिएगा। अब देखिएगा आगे कहते हैं केच, केचिद केचिद अविशेषेण विभाषाम इच्छन्ति, के कुछ लोग अविशेष रूप से कहते हैं, अविशेषण रूप से कहते हैं उनको स्त्रियाम के अधिकार में कहे हुए कृदंतों की कोई आवश्यकता नहीं है, उनसे कोई लेना देना नहीं है, स्त्रियां के अधिकार का हो चाहे बाहर का हो कृदंत होना चाहिए। तो कृदंत मात्र में विकल्प से कहनी चाहिए कर्ता में षष्ठी, कर्म में तो नित्य षष्ठी होगी, कर्ता में विकल्प से कहनी चाहिए। तो देखिएगा का उदाहरण दिया कि शब्दानाम अनुशासनम आचार्येण आचार्यस्य वा, कि शब्दों शब्दानाम शब्दों का अनुशासन, शब्दों को आचार्य के द्वारा अनुशासन करना। तो यहां पर क्या है, शब्द हो गए कर्म आपके, आचार्य हो गया कर्ता, और अनुशासनम अनुशासन शब्द क्या है, ये लिट प्रत्यंत है, कृदंत है, स्त्री अंक अधिकार नहीं है। तो क्या है
अविशेषण का ना अविशेषण, भाई यहाँ स्त्रियावादी की कोई ऐसी अपेक्षा नहीं है, मान कृदंत होना चाहिए मात्र, तो उसके कर्म में तो नित्य षष्ठी हो जाएगी, जब दोनों में इकट्ठी प्राप्त होगी तब की बात है ये, तो कर्म में तो नित्य षष्ठी होगी, कर्ता में विकल्प से होगी, तो एक बार षष्ठी हो जाएगी, पक्ष में तृतीया हो जाएगी। तो शब्दानाम अनुशासनम आचार्येण आचार्यस्य वा, तो ये आपका वार्तिक हुआ। तो मित्रों ये आपके दो सूत्र मैंने आज की कक्षा में पढ़ाए हैं, ये थोड़ा सा वार्तिक आपको समझने होंगे, और मैंने आपको प्रत्यय दिखला दिए हैं कि यहां पर आ और जो अक मन उन लिया है वो स्त्रियां के अधिकार में लिया है, शेष विभाषा कुछ आचार्यों के मत में स्त्रियां के अधिकार में ही कहे हुए जो कृदंत प्रत्यय वहां पर कर्ता में विकल्प का है, कर्म में तो नित्य ही होगा, और कुछ आचार्य स्त्रियां के अधिकार में कहे हुए कृदंत प्रत्ययों की अपेक्षा नहीं करते, सामान्य रूप से कोई भी कृदंत हो यदि उसके साथ में एक साथ कर्म और कर्ता में षष्ठी प्राप्त हो रही है तो क्या है, कर्ता में तो नित्य हो जाएगी षष्ठी, कर्म में तो नित्य षष्ठी हो जाएगी, कर्ता में विकल्प होता है कुछ आचार्यों के मत। तो ये केचित करके कहा है और यहां पर भी इत्ये के कहा है आचार्य, ये कात्यायन्य कहा है, ठीक है चलिएगा। तो ये आपके दो सूत्र हुए, ये थोड़े से आपको इसमें परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा लिखना पड़ेगा और वीडियो को रोक रोक के पढ़ना पड़ेगा। आइएगा आगे की कक्षा में, अब हम आपको सूत्र पढ़ाएंगे तस्य च वर्तमाने, ये षष्ठी का ही प्रकरण चल रहा है, शीघ्रता से अब जल्दी से हमारा ये समाप्त होने वाला है प्रकरण, ठीक है चलिएगा। इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं मित्रों, और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अपने मित्रों को भी जोड़िएगा, ये बहुत विशेष कक्षा चलाई जा रही है मित्रों आपके लिए, कारक प्रकरण को पूरा, कारक के बाद हम आपको अन्य प्रकरण लेकर के आ रहे हैं, अपत्य के प्रकरण लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, और स्त्रीलिंग के प्रत्यय लेकर के आ रहे हैं, समास का हमने बना दिया है कोर्स पूरा, आप लघु सिद्धांत का समास का पढ़ सकते हैं, चलिएगा। अस्तु सर्वेभ्यो नमः।